हेलो एवरीवन। सो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो COVID-19 से भी ज्यादा डेंजरस है एंड वो है मेंटल हेल्थ। अगर आपका मेंटल हेल्थ अफेक्टेड है तो रिकवरी के लिए आपका जो टाइम लगेगा वो बहुत ज्यादा लगेगा। 10th ऑफ सितंबर को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डे मनाया जाता है। मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया जाए जिसमें COVID-19 एंड मेंटल हेल्थ के बारे में पोस्ट हो। हमें जैसे पता है कि COVID-19 ज्यादातर ओल्डीज मतलब 60+ एंड कोई अगर ऐसे लोग रहते हैं जो ऑलरेडी जिनको कोई बीमारियां रहती है उनको ज्यादा अफेक्ट करता है। WHO का डेटा सजेस्ट करता है कि ऑलमोस्ट 80% लोगों को माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं या असिम्टोमेटिक रहते हैं, बाकी जो 15% है उन लोग को थोड़ा सा सिवियर रहता है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है एंड जो 5% है वो क्रिटिकल रहता है जिनको वेंटिलेशन की भी जरूरत है। अगर 80% लोगों का इन्फेक्शन माइल्ड है असिम्टोमेटिक है तो फिर ये रिकवरी को इतना टाइम क्यों लगता है? वो इसीलिए क्योंकि उन लोग मेंटली अफेक्टेड है। बिकॉज काफी लोग ऐसे आते हैं जो रिकवरी के लिए जो बोलता है कि उनके फैमिली मेंबर्स सोसाइटी मेंबर्स उनको ब्लेम करते हैं कि उनके वजह से ये स्प्रेड हुआ है। एवरीवन वांट्स टू लिव एंड उसके लिए सब प्रिकॉशंस ले ही रहे। मैं समझती हूँ कि ये सिचुएशन में अगर हमें डर लग रहा है हम थोड़े एंशियस हो जाते हैं तो वो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। ऐसे सिचुएशन में हमें ये बात का ध्यान रखना है कि हम कैसे उसको डील करें। हमें डर लग रहा है ये सिचुएशन में तो हमें किसी से बात करनी चाहिए, काउंसलर्स है डॉक्टर्स है जिससे आप बात कर सकते हो। जितने भी क्लाइंट्स आते हैं जो रिकवरी के लिए या फिर जो डायग्नोज हुए रहते हैं COVID-19 के लिए, हमें एक मेजर प्रॉब्लम हम जहाँ फेस करते हैं एंड जिसके वजह से रिकवरी लॉन्ग रन में चला जाता है वो है कि बिकॉज वो मेंटल हेल्थ से अफेक्टेड होते हैं। पैंडेमिक को 7 months हो गए हैं बट स्टिल अभी भी लगता है कि लोग समझ नहीं पाए कि COVID-19 एंड मेंटल हेल्थ हैंड इन हैंड चलता है। जो लोग COVID-19 से डायग्नोस हुए हैं उन लोगों को एक कंपैशनेट केयर की जरूरत है। वो टाइम पे अगर हम उन्हें ब्लेम करेंगे कि आपके वजह से ही दूसरे लोगों को हुआ है या आपके वजह से ही ये सब हो रहा है देन दैट इज नॉट करेक्ट। हमें वो टाइम पे उन लोग का ध्यान रखना है, उनसे बात करके उनको बताना है दैट वी ऑल आर देयर विद यू इन टू दिस सिचुएशन। सोशल मीडिया के जितने फायदे हैं उसके साथ उसके उतने नुकसान भी है। बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस बहुत सारे ऐसी चीजें जो पोस्ट की जाती है जिसका कोई काफी बार रेलिवेंस भी नहीं होता है पर पीपल उसको सच मान लेते हैं। सो ये बहुत हमें ध्यान रखना है कि हम कौन सी बात को कंसिडर करें एंड हम कौन सी बात को नहीं करें। आज की डेट में भी मैं देखती हूँ कि काफी मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं कि काफी पोस्ट्स रहते हैं जो स्टोरीज बताते हैं कि एक पर्सन को कैसे वो कॉन्टैक्ट में आया एंड वो कैसे डायग्नोज हुआ COVID-19 से। एंड ये अच्छी बात है कि हम ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर रहे हैं कि वो पर्सन को कैसे हुआ ताकि बाकी सब लोग भी प्रिकॉशंस ले सके। पर हमें ये बात का ध्यान रखना है कि हम वो कौन से टाइम पे पोस्ट कर रहे हैं। अगर वो पर्सन को आज सुबह ही डायग्नोज हुआ है एंड आप दोपहर को स्टोरी पोस्ट कर रहे हो उसके बारे में तो ये गलत बात है। बिकॉज क्या होता है अगर वो पर्सन वो स्टोरी पढ़ लेता है वो मेंटली अफेक्ट हो रहा है, दैट पर्सन माइट स्टार्ट थिंकिंग कि अरे उसके वजह से ही ये सब हो रहा है एंड वो गलत बात भी ले सकता है। अगर वो पर्सन ये सोचने लग जाता है कि अगर उसके वजह से ये सब हुआ है एंड फॉर सम XYZ रीजन अगर उसका ऑक्सीजन लेवल ऊपर नीचे हो गया या कुछ और भी हो गया तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम ये मैसेज स्प्रेड भी कर रहे हैं तो हम 10-15 डेज बात करें, दैट इज ओके। हमें वो टाइम पे वो पर्सन की मेंटल हेल्थ मेंटल सिचुएशन समझ के कोई स्टेप लेना है, हमें तुरंत ही कोई भी स्टेप नहीं लेना। आज के डेट में भी इतने सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं कि फ्रंटलाइन वर्कर्स भी इतने सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं एंड आर्टिकल्स है जहां फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड उन लोगों की मेंटल हेल्थ के बारे में भी है। अगर हम उन्हें डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली अगर कोई भी वे में हेल्प कर सकते हैं देन आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी हेल्प करें बिकॉज वो डे इन एंड डे आउट हमारे लिए ही काम कर रहे हैं। फॉर बेसिक एग्जाम्पल कि हम कोई भी मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करें या फिर अगर हम हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आ गई है एंड अब वो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुई है तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हम वो इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी पास ऑन ना करें। आपको लगेगा कि मैं सिर्फ ये एक पर्सन को पास ऑन कर रहा हूँ, फिर वो एक पर्सन भी सोचेगा कि मैं भी सिर्फ एक ही को पास कर रहा हूँ तो वो चेन कंटिन्यू रहती है। हमें नहीं पता है कि ये कितने और महीने चलने वाला है एंड आई फील कि इट इज इम्पोर्टेंट कि अगर अभी भी लोग मेंटल हेल्थ का इम्पोर्टेंस समझ जाए विद इट इज रिलेशन विद COVID-19 या कोई भी अगर पैंडेमिक के साथ। एट एंड मैं 5 थिंग्स बताने वाली हूँ जो हम COVID-19 एंड मेंटल हेल्थ
के रिलेशन में जो हम डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा स्टेबिलिटी मेंटेन रहे. द फर्स्ट वन इज ईट राइट एंड एक्सरसाइज डेली. सेकेंड वन इज स्टे पॉजिटिव. थर्ड वन इज स्टे अवे फ्रॉम क्रिटिसिज्म. अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज आपको अफेक्ट कर रही है तो आप मत पढ़ो वो या आप मत देखो. अगर आपको लग रहा है कि सोशल मीडिया से आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है देन स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया फॉर अ वाइल. फोर्थ वन इज हैव सिंपल कन्वर्सेशंस. कन्वर्सेशन से जो स्ट्रेस बिल्डअप हो रहा है या जो थॉट्स आ रहे हैं आपको वो कम हो जाएंगे. एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि कोई भी चीज को अज्यूम मत कीजिए. क्रॉस वेरीफाई कीजिए. गेट इन द करेक्ट इन्फॉर्मेशन. सो एट एंड WHO के PDF में एक पैराग्राफ है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है. सो इट स्टेट्स दैट डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस हम जो फेस कर रहे हैं ड्यू टू COVID-19 वी स्टिल फाइंड पर्पस इन आवर लाइव्स एंड वी सपोर्टिव टुवर्ड्स ईच अदर. एंड व्हेन फेस्ड विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन फोकस ऑन व्हाट वी कैन चेंज. ओके एक्सेप्ट मैटर्स दैट आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल एंड ऑलवेज स्ट्राइव टू लिव बाय योर वैल्यूज. आई होप दिस इन्फॉर्मेशन वाज इन्फॉर्मेटिव एंड लेट अस ऑल स्प्रेड अवेयरनेस एंड बी विद ईच अदर. थैंक यू गाइज. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.